चल करो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचरमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामयं वदन्ति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्विष्णुमांश्च श्रीरूपं सकलजातं सकलरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् संलताविशाखानितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नाम्ने। श्रीवासवनभिदेवी दायित्यकृपभ्ये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुजतुलु प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौरकरुणाशक्ति विग्रहे नमस्तु ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तिदिनधारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धान्त दन्तुहरणे। नमो गौरकिशोराय सख्यत वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सम्बोधे पदम्बुजयते नमो। नमो भक्तिविनोदाय सचिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमुराय ते। गौर आविर्ब्रह्मेष्टं निर्दिष्टाचरणप्रिय वैष्णवसर्वभौम श्रीजगन्नाथयते नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबुधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्द राधकन्द नमस्तु ते। जय तं सुतौ पङ्गमौन्द्रमतिर्गति मत्सुरवशपदम्भोजौ राधामदनमनौ दिव्यादुबुन्दरन्नकलुद्रमादः श्रीमद्रतृङ्गारसिंहासनस्तु श्रीमद्राधाशलगोविन्ददेवौ दृष्टिवं सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमानसरसारम्भे वंशीवटतस्थित कृष्णवेणुसुनर्गोपी गोपीनाथस्य स्तुना तप्तकञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय गौरचंद्र भगवान की जय श्री राधाश्री भगवान की जय। आकली थोड़ा सा हाँ ले लो। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয় হেন গৌর দয়াময় ছাড়িব সব লাজ ভয় কায় মনে লহরে শরণ কায় মনে লহরে শরণ হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয় হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লজ্জা ভয় হেন গৌর দয়াময় হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয় কায় মন লহ রে শরণ কায় মন লহ রে শরণ কায় মন লহ রে শরণ পরম দুর্মতি ছিল তারে গৌর উদ্ধারিল পরম দুর্মতি ছিল তারে গৌর উদ্ধারিল পরম দুর্মতি ছিল তারে গৌর উদ্ধারিল তারে হইল পতি তো পাবন তারা হইল পতি তো পাবন তারা হইল পতি তো পাবন পতি তো পাবন গৌর পতি তো পাবন গৌর তো পাবন গৌর পতি তো পাবন গৌর তারা হইল পতি তো পাবন তারা হইল পতি তো পাবন গৌরা গৌর দ্বিজ নট রাজা
बांधरु दयर माझ गौर गौर दिजन ट राज बोलो गौर दिजन ट राज गौर दिजन ट राज गौर दिजन ट राज गौर दिजन ट राज बांध हृदय माझ बांध हृदय माझ कि करिब संसार समन अरे कि करिब संसार समन गोरा दिजन ट राज गोरा दिजन ट राज गोरा दिजन ट राज बांध हृदय माझ बांध हृदय माझ कि करिब संसार समन अरे भाई कि करिब संसार समन अरे भाई कि करिब संसार समन अरे संसार समन कि करिब संसार समन देखो क्या बताते हैं क्या भारी चीज ये बताते हैं हे न गौर दयामय छाड़ी सब लाज भयो लज्जा को त्याग करके संसार की जो लज्जा को त्याग करके क्या करना चाहिए दयामय गौरंग को भजन करो काय मन लहर शरण मन काय मन काय मत शरीर मन तन से भगवान श्री गौरंग के शरण जाओ परम दुर्मति छिल तारे गौर उद्धारिल जो पापी थे भगवान गौरंग महाप्रभु उनको उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु की गौर सुंदर भगवान की गौरंग महाप्रभु ने उद्धार किया तारे हैलो पतित पावन प्रभु का नाम पतित पावन क्यों हुआ प्रभु का नाम पतित पावन होने के नाते क्यों हुआ कि पतितों को पावन किया कौन पावन किया हमारे गौरंग सुंदर भगवान फिर क्या बोलते गौर दिजो गौरा दिजो नटराज गौरा मारू कैसे नटराज शिव जी नटराज है कृष्ण नटराज है गौरा भी नटराज है अमर गौर नटराज अमर गौर नटराज अमर गौर नटराज क्या बोलते गौर दिजो नटराज और ब्राह्मण है बांध हृदय माझ हृदय में बांध यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपना मान लेगा हृदय से प्यार करेगा हृदय कंधे हृदय में बांध लेगा हम हृदय में संसार संसार चीज को बांध के रखेंगे मेरे पुत्र धन पुत्र पुत्री लेकिन कोई गौरंग को बांध के रखेगा क्या बोलते हैं कि करीबे संसार समन कि करीबे संसार समन अभी सब लोग भाई भीते देखो एक छोटा सा बीमारी आया है ये जो क्या कोरोना कोरोना आया है सब विचलित है और कितना बढ़ेगा गारंटी नहीं और उसके बदले में और कितना लोग अलग अलग बीमारी से मर जाएंगे खाने को नहीं मिलेगा रहने को नहीं मिलेगा जाने को नहीं मिलेगा पीने को पानी नहीं मिलेगा ऐसे संसार की दुर्भिक्ष आएगा आता है वो संसार का नियम है और इसलिए बताते हैं लेकिन हर एक व्यक्ति संसार में डरा हुआ है भयभीत है कल क्या होगा कल क्या होगा कल आएगा लेकिन यहाँ क्या बताते हैं कि करीब संसार समान यदि हृदय में श्री गौरंग महाप्रभु धारण करोगे कि करीब संसार समान संसार का समान यमराज का दूत यमराज कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए बताते हैं यदि भजन नहीं करेंगे तो समनर दूत धरी हाथ पायो समनर दूत धरी हाथ पायो समनर दूत धरी हाथ पायो बांधिया करिबे जड़
बांधिया करिवे जण। अगर भजन नहीं करेंगे यमराज के दूध क्या करेंगे, बांध के ले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं नरोत्तम दासे कहे गोरा सम के नहे, नरोत्तम दास कहे गोरा सम के नहे। बोलो नरोत्तम दास कहे गोरा सम कहे नहे, ना भजिते देय प्रेम धन, ना भजिते देय प्रेम धन, ना भजिते देय प्रेम धन, अरे ना भजिते देय प्रेम धन, हमारे गौर कैसा है बोलते हैं नरोत्तम दास को बताते हैं, गोरा सम गोरंग के समान कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए बताते हैं अवतार सार गोरा अवतार, अवतार सार गोरा अवतार, अवतार सार गोरा अवतार, अरे अवतार सार गोरा अवतार, केने न भजिलो तारे, बोलते हैं अवतार सार। अवतार में सार कौन है, अवतार सार क्यों, अवतार सार गौरंग अवतार, गौरंग क्यों सर अवतार है, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, अरे भज भज भाई चैतन्य निताई, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, अरे भज भज भाई चैतन्य निताई, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, सुदृढ़ विश्वास करी, देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई, अरे ए मन दयाल दाता, ए मन दयाल दाता, रे पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे, पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे, पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे, सुनी जार गुण गाथा, अरे सुनी जार गुण गाथा, सुनी जार गुण गाथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गौर गौर हरे गौर 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 राम हरे हरे, गौर सुंदर गौर सुंदर गौर सुंदर गौर सुंदरा, गौर सुंदर गौर सुंदर गौर सुंदर गौर सुंदरा, सुंदर सुंदर
सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर गौर सुंदर गौर सुंदर गौर सुंदर अमर गौर सुंदर बोल गौर सुंदर तो क्या बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं गोरा समो केहन है ना भजिते देव प्रेम दान ना भजन करने का दे प्रेम दान देने वाला है श्री गौरांग महाप्रभु की जय। इसलिए हम आज भगवान गौरांग महाप्रभु के लीला से एक महान जो भक्त है जो कि अमोघ उद्धार शरण भट्टाचार्य और कि जो महान भक्त है भगवान चैत्र महापुरुष सर्वभौम घर में जाएंगे निमंत्रण करेंगे सर्वभौमाचार्य जी बस उनको चैतन्य को निमंत्रण करेंगे मेरे घर में भोजन करने आओ। भोजन करने करने जब आएंगे तो रास्ता में अमोघ आएगा वो देखेगा अरे इतना खाता है और अमोघ के वजह से महापुरुष को तो कुछ फर्क नहीं रहेगा महापुरुष तो भगवान है लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य को बहुत दुख लगेगा और उन्हें प्रार्थना करेगा भगवान को भगवान कि ये अमोघ को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो दूसरे दिन अमोघ को होता है डायरिया हो जाएगा और वह खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा और गोपीनाथ आचार्य ने उनको तुरंत पता चलेगा श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलेंगे महाप्रभु आएंगे अमोघ को हृदय को स्पर्श करेंगे उसका उद्धार होगा। तो आज का जो चर्चा करेंगे हम लोग अमोघ उद्धार लीला चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में बताया गया मध्य लीला भाग प्रभु पासो आसी सर्वभौम एक दिन जोड़ो हाथ करी किछु कहिला निवेदन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास शरण भट्टाचार्य आता है आने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान गौरांग के चरण में एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं बोलते हैं सबे एबे सबे वैष्णव गौर देशे गेला एबे प्रभुर निमंत्रण अवसर होइले आइला प्रभु अभी सब गौर देश के ब्राह्मण जो वैष्णव लोग आए गए गौर देश में गए आप मेरे घर में भोजन करने का हो हाँ प्रार्थना करता है एबे मोरो घरे भिक्षा कर मास धारी प्रभु के धर्म नहे करित ना पारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं शरण भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे घर में भोजन करो और कितना एक दिन नहीं दो दिन नहीं एक महीना तक मेरे घर में भोजन करना। देखो कितना प्यार है भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को प्रति कितना श्रद्धा है कितना प्रेम है मेरे घर में आप एक महीना तक भोजन करो। आप प्रभु बोल रहे हैं क्या बोलते प्रभु ये धर्म नहीं है कि मैं तुम्हारे घर में एक महीना ये धर्म का नियम नहीं है। तो क्यों धर्म के आचार्य धर्म के वक्ता धर्मवीर और धर्म और धर्मात्मा और धर्म के साक्षात चैतन्य महाप्रभु धर्म सिखा रहे हैं ना क्या धर्म नहीं है क्यों धर्म नहीं है क्या क्यों ही मना करते क्योंकि सन्यासी का धर्म है सन्यासी का कर्म है ये एक घर पे एक जगह पे एक समय पे हमेशा एक जगह पे जाना ठीक नहीं हुँ? तो इसलिए बताते यहाँ पे कि प्रभु कहे धर्म नहीं करित न पारी धर्म का नियम नहीं है मैं तो आपका घर पे एक महीना तक भोजन नहीं कर सकता हूँ मैं सन्यासी हूँ सन्यासी होने के नाते हम तुम्हारे घर में थोड़ा कभी एक दो दिन कर सकते लेकिन ऐसे नहीं कि एक महीने तक आपके घर में भोजन करूँगा। सर्वभौम भौम कहे भिक्षा करह दशा दिन प्रभु कहे ये न है यति धर्म चिन्ह तो बोलते एक महीना नहीं है तो कम से कम मेरे घर में दस दिन तो करो दस दिन भोजन करो। तो सर्व महाप्रभु बोलते हैं ये सन्यासी का नियम नहीं है कि आपका घर में दस दिन तक
भोजन करने नियम नहीं, चिन्ह नहीं है, नहीं करूँगा मैं। सार्वभौम कहे पुनः दिन पंचदश, प्रभु कहे तुम्हारे विज्ञा एक दिवस। ठीक है, पाँच दिन करो, पाँच दिवस तो भोजन करो। नहीं नहीं, महाप्रभु अपने नियम में कठोर है, वो प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रेम करते हैं, प्रेम करते, लेकिन अपने नियम में पका। जिस पर हम लोग प्रेम करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कोई घर वाले, कोई रिलेटिव, कोई स्वजन, भवन के पास हम ब्रह्मचारी बने, या कोई ब्रह्मचारी बनने वाला है, या कोई सन्यासी है, या कोई उसके पिता माता का घर है, उसके ब्रह्मचारी उनका घर है, हमेशा वो घर वाले बोलेंगे हमारे घर में आओ, भोजन करो, घर में रहो बेटा, अच्छा है, सब अलग अलग खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ये लक्षण नहीं है, ये अनुचित है, घर में नहीं रहना चाहिए, शास्त्र के अनुसार बताया गया। क्योंकि घर में रहेंगे, घर में खाएंगे, घर में सोएंगे, घर में मिलेंगे, तो घर के प्रति आसक्त होगा, तो फिर ये आएगा, फिर वेश धारणा है, ढोंगी राम है। इसलिए महापुरुष यहाँ बताते हैं कि ये मैं एक दिवस कर सकता हूँ। तबे सर्वभौम प्रभुर चरण धरिया, दस दिन भिक्षा कर कहे विनती करिया। तो महाप्रभु के चरण पकड़ के से सर्वमठ बोलते हैं कि प्रभु आप दस दिन तो करो, दस दिन तो करो। कभू क्रमे क्रमे पांच दिन घटाइल, पांच दिन तार विज्ञा नियम करिल। तो महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने धीरे धीरे काटते काटते, एक महीने से काटते काटते पाँच दिन तक रखे। बोले ठीक है, पाँच दिन मैं स्वीकार कर सकता हूँ। क्यों? महाप्रभु भक्त वत्सल्य, भक्ति की इच्छा को पूर्ति करते। तबे सार्वभौम करे आर निवेदन, तुम्हारे संगे सन्यासी अच्छे दस जन। प्रभु आप तो आओगे, आपके साथ दस सन्यासी हमेशा आपके साथ रहते, एकत्रित होते, तो इसलिए क्या करना चाहिए? बोलते पूरी गोसाई रो भिक्षा पांच दिन मोर घरे, पूर्वे आमि कहियाछि तुम्हारो गोचरे। जो पूरी गोसाई है मेरे घर में पाँच दिन का भोजन करेंगे, मैं आपको पहले से बोला हूँ। और क्या बोलते हैं? दामोदर स्वरूप यही दुई बांधव आमारो, कभू तुम्हारे संगे या भे कभू एक स्वर। दामोदर पंडित नहीं, दामोदर जो स्वरूप दामोदर आपके सेवक है, नित्य सेवक है, और वो इसलिए कहा गया ना, रामांद्रा स्वरूप दामोदर ललिता विशाखा है, स्वरूप दामोदर और रामांद्रा है, उसमें से एक विशाखा है, एक ललिता है, जो राधारानी का सखी थे। ये कलयुग में आते हैं श्री गौरांग महाप्रभु को, उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्रीमती राधारानी श्री कृष्ण मिल के एक तनु हुए श्री गौरांग महाप्रभु रूप में आए। और यहाँ पे जो उनके सखी लोग है, एक स्वरूप दामोदर है, एक रामांद्रा है, अभी स्वरूप दामोदर साथ में रहते हैं। बोलते स्वरूप दामोदर भी कभी कभी साथ में आ सकता है, कभी आप अकेला भी आओ, मतलब अकेला आने से महाप्रभु को प्रेम करते, प्रभु आप कभी अकेला आओ, अकेला आने से तो सब बहुत लोग रहेंगे, फिर आपको मैं अच्छी तरह से खिला नहीं पाऊंगा, पिला नहीं पाऊंगा, आपको शर्म लगेगा, ये सब लोग बैठे मैं कैसे खाऊँ, मैं कैसे खाऊँ सन्यासी। इसीलिए आप क्या करने का, एक बार अकेला आओ ना, भगवान का शरण भट्टाचार्य के प्रबल इच्छा है कि महाप्रभु को अकेला अपने घर में भोजन खिलाए, प्यार। जैसे कभी कभी संसार में पति पत्नी, पत्नी पति को खिलाता पिलाता है, प्यार है, कोई गलत नहीं, उसी प्रकार माँ बेटे को खिलाता पिलाता है, ऐसे महाप्रभु सबके परम पिता। लेकिन वो परम पिता होने का देवी वो सबके हितेशी है, सुहृदम सर्वभूतानाम गंतम संतम उच्छति। महाप्रभु को अत्यंत प्रेम, इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, ये बोलते हैं मेरे घर में कभी अकेला, उसका मन के विचार है कि मेरे घर में अकेला आएगा मैं दबा के खिलाऊंगा, प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा, एकदम जैसे एकांत में कहा गया ना, एकांत में कोई व्यक्ति प्रेमिक प्रेमिक के साथ बात करता है, टूच कुछ 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 बात करता है, ऐसे मेरे प्रभु एकांत एकला आएगा, मैं एकांत में उनको मेरे हृदय से उनको प्यार करूंगा, एकदम, इसको बोलते प्रेम।
बोलते क्या बोलते बहुत सन्यासी यदि ऐसे एक ठाई सम्मान करते नारी अपराध पाई। यदि बहुत सन्यासी एक साथ आएंगे तो एक साथ में सेवा नहीं कर पाऊंगा, अपराध हो जाएगा, इसीलिए एक एक करके आएगा, एक एक करके आने का बोलते हैं। तुम ही हो निज छाया आसीबे मोर घरे कबू संगे आसीबे न स्वरूप दाम दर। बोलते तुम ही हो निज छाया आसीबे मोर घर प्रभु संग आसीबे न स्वरूप दाम दर। प्रभु कभी आप एकला हो कभी स्वरूप दाम के साथ में आ सकते हो, बोलता है। लेकिन उसका प्रबल इच्छा है प्रभु एकला आना चाहिए मेरे घर में। प्रभुर इंगित पाया आनंदित मन से दिन महाप्रभु कहला निमंत्रण। महाप्रभु ने राजी हो गए, यस आई एम कमिंग योर हाउस, मैं आपके घर में आऊंगा। और खुश हो गया सारा वो भट्टाचार्य, अत्यंत प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न हो गया कहना नहीं जा सकता है। प्रसन्न के मारे उनके शरीर से प्रेम आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। मेरे प्रभु मेरे घर में आएंगे भोजन करेंगे। जैसे ही माता सबरी का जब राम श्री रामचंद्र जी को दर्शन देखा और दर्शन देखने के बाद और बहुत प्यार से क्या करने लगा कि मैं मेरे प्रभु आए हैं मैं उनको खिलाऊंगी। खिलाने के लिए सामने बैठा दिया, राम भगवान बैठ गए, लक्ष्मण भैया बैठ गए और माता सबरी ने क्या किया, बुढ़ी औरत है नीच भील जाति का, नीच जाति का है, इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं हम अच्छा जाति पाति भगवान नहीं देखते, कौन सी जाति के है, कौन सा कर्म कर, कौन सा ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, भगवान देखते। भगवान एक चीज़ देखते हैं, हृदय की बात को देखते, हृदय को चिंतते, हृदय में क्या चीज़ चलता है उसी पर, हमारे हृदय में क्या चीज़ चलता है, क्या विचार है, वो सिर्फ हृदय के जो स्वामी है अंतर्यामी वो जानते। इसलिए हम हमेशा हमारे हृदय को शुद्ध स्वच्छ पवित्र रखना चाहिए। पवित्र रखेंगे से भगवान को जान सकते। इसी प्रकार सबरी माता ने उसका हृदय पवित्र था, क्यों, उसके गुरु के कृपा से गुरु के आशीर्वाद से मंत्र जप किया। मंत्र जप कर मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के सहित जब मंत्र जप किया तो हृदय साफ हो गया। उसी प्रकार यदि हम लोग मंत्र जप करेंगे दृढ़ विश्वास के सहित सेवा करेंगे भगवान की, और सबरी सेवा करती थी, प्रत्येक दिन फूल लाती थी, फल लाती थी, रास्ता में रास्ता बिछाती थी, रास्ता में फूल डालती थी, फल लाती थी, चख करके रखती थी, आएंगे मेरे प्रभु, शाम तो खाती नहीं थी, मेरे प्रभु आएंगे मैं खिलाऊंगी मैं खाऊंगी, मेरे प्रभु आएंगे मैं खिलाऊंगी खाऊंगी, मेरे प्रभु आएंगे मैं खिलाऊंगी खाऊंगा, ये सोच करके रात 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 बीत गया। कितना रात हो, कितना रात बीत गया, लेकिन इंतजार का फल मीठा है। इसलिए भगवान क्या किए, तुरंत जब आए राम भगवान कहाँ पे, उसके घर में प्रवेश किए और उसको दरवाजे में पहुँचे, सबरी माता मैं आ गया हूँ। तो विचार करो लोग ढूंढ रहे हैं कि मेरे घर में वो भगवान कहाँ गए, नहीं गए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राम भगवान किसका घर में गए, सबरी माता के घर में गए, क्यों, प्रेम। उसी प्रकार यहाँ पे शरण भट्टाचार्य का अत्यंत प्रेम है, प्रभु हमारे घर में आओ, ऐसे हमारा प्रेम रहेगा। हमारा घर हमारा घर कहाँ है वास्तविक, हमारा घर किधर है, हमारे घर पर बैठना चाहिए, मतलब हमारे हृदय रूपी घर में भगवान को आसन दिलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, हाँ सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। तो भगवान हृदय जहाँ कोई बड़े व्यक्ति आता है हम उसको कितना सम्मान करते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। उसी प्रकार सबसे बड़ा व्यक्ति भगवान कृष्ण चैतन्य सबके हृदय में परमात्मा में विराजमान है, इसलिए सबके हृदय में परमात्मा में विराजमान। इसलिए कोई भी व्यक्ति को निंदा नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति के प्रति कपटता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में कौन बैठे है, प्रभु विराजमान है। तो देखो क्या बोलते हैं, साठी माता नमो भट्टाचार्य गृहिणी प्रभु महाभक्त ते हो स्नेह ते जननी। साठी के जो माता है भट्टाचार्य की पत्नी, वो गृहिणी घर के काम करती है और कहा गया जननी स्नेह ते जननी। गौरांग महाप्रभु को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है
स्नेह करती है, जैसे माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, खिलाती पिलाती है, और स्नेह के वजह से उन्होंने क्या किया, स्नेह थे जननी, ये सच्ची माता जैसे जननी है, गौरंग महाप्रभु को खिलाते पिलाते थी, ऐसे यहाँ पे सराम भट्टाचार्य की पत्नी उन्होंने स्नेह थे जननी, स्नेह करके माँ के समान प्यार करती है, मैं खिलाऊंगी मेरे प्रभु आएंगे, आह क्या प्रेम है, जैसे सबरी माता का प्रेम थी, जैसे इसका विदुरानी का प्रेम थी, जैसे फल वाली की प्रेम थी, ऐसे ही ये लोग प्रेम करते हैं, क्या बोलते हैं, घरे आसी भट्टाचार्य तारे आज्ञा दिला आनंदे सठी माता पाख जोड़ाइला। घर में आने के बाद सठी माता ने खुश हो गया, आज तुरंत चकाचक व्यंजन बनाना रेडी कर दिया, रेडी करने के बाद क्या बोलते हैं, भट्टाचार्य रगृह सब द्रव्य अच्छे भारी ये बा शाक फलादि को अनाइब आहारी। भट्टाचार्य के घर पे सब कुछ भरा हुआ है, माल मसाला भरा हुआ है, और तभी भी और मंगा दिया, क्योंकि मेरे प्रभु फसद खाएंगे। हाँ, और क्या बोलते हैं, अपनी भट्टाचार्य करें पाकर सर्वकर्म साठी र माता विचक्षण जाने पाक मर्म। दोनों पति पत्नी लग गए एकदम काम में, क्या काम में लग गए, भगवान की भोजन खिलाने में, भगवान का खाना बनाने में एकदम लग, जैसे बगैर कोई घर में भक्त लोग जाते, दोनों पति पत्नी हमारे अनेक गृहस्थ भक्त लोग है, हम देख सकते हैं कभी उनका घर में भक्त लोग जाते हैं, दोनों पति पत्नी लग जाता है काम पे, तो ऐसे लग जाते काम में लग जाते, उसको बोलते हैं प्रेम। उसी प्रकार कोई पत्नी सब्जी कटिंग कर देता है, पति बनाता है, पति सब्जी कटिंग करता है, पति बनाता है, सब प्रयास अपना पर करते हैं, घूमने दो। तो क्या बोलते देखो, आरो घर महाप्रभु, देखो आरो घर महाप्रभु रो भिक्षा लागी भिक्षार लागिया निवृत्त करिया नूतन नूतन करिया। दूसरा घर में एक घर में खाना भोजन बनाया, दूसरा घर में महाप्रभु को बैठाने के लिए भोजन खिलाने के लिए सब रेडी कर दिया, महाप्रभु बैठेंगे आसन डाल दिया, हाँ बढ़िया आसन, बोलते देखिए भाई एक द्वार तारो प्रभु प्रवेशिया पाके सलारो एक द्वार और नहीं प्रवेशिते पारे। दो द्वार हैं महाप्रभु बीच में बैठे प्रसन्न करने को, एक साइड से प्रसाद लेकर आएगा, इधर से खाएंगे, इधर से जो बनाने बनाने वाले इधर से लेकर देगा, अलग जगह से द्वार जाएगा। तो इसे रेडी सेटिंग किया, देखो क्या बोलते हैं, कितना बढ़िया सेटिंग किया प्रसाद, हम बोलते हैं श्रद्धा करी भट्टाचार्य सब कराइला शुभ्र पीठ परी सूक्ष्म आसन पातिल। अच्छी से श्रद्धा पूर्वक बढ़िया में सेटिंग करके बढ़िया रेडी किया, और सूक्ष्म शुभ्र वस्त्र डाला, क्योंकि महाप्रभु बैठेंगे, एक पीड़ा डाला और महाप्रभु के लिए पीड़ा दिया, और जो भोजन आएगा थाली बसेगा उसका पीड़ा रहेगा, और महाप्रभु जिसके ऊपर बैठेंगे एक सुंदर कपड़ा दिया, और जहाँ महाप्रभु भोजन करेंगे वो लकड़ी के ऊपर एक पट्टे के ऊपर एक पीड़ा के ऊपर एक बड़ा सुंदर सफ़ेद वस्त्र डाला, क्यों महाप्रभु भोजन करेंगे। देखिए कितना महाप्रभु खिलाते सुंदर भोजन, बोलते भट्टाचार्य कहला तबे पादर प्रक्षालन घर भीतर गेला करते भोजन। श्री गौरांग महाप्रभु जब आते हैं, श्री भट्टाचार्य ने भगवान के श्री चरण कमल को धौत किया, धौत करने के बाद अपने सुंदर गामोचे के द्वारा उनको चरण को पोछ दिया, पोछने के बाद अपने घर में लेके जाते प्रभु, आइए भोजन करने बैठाया, और नादि देखिया प्रभु विस्मित होइया भट्टाचार्य कहे किछु भंगी करिया। जब श्री गौरांग महाप्रभु बैठ गए भोजन करने के लिए, इतना आइटम देखा, ओ इतना आइटम, तो गौचत्र महाप्रभु भंगी में थोड़ा
नाटक करके प्रेम से बोलने लगे, क्या बोलते, अलौकिक यही सब अन्न व्यंजन दुई प्रहर भीतर कैसे कैल रंधन, ये तो अलौक्य दिव्य भोजन है, आपने दो पहर में कैसे बना दिया, कितना जल्दी बना दिया, सत चूलार सत जन पाक यदि कने तबु शीघ्र ये तो द्रव्य रांधीते न पारे। महाप्रभु बोल रहे हैं शरण भट्टाचार्य को, देखो सो चूल्हा, अगर चूल्हा रहेगा, चूल्हा में रसोई बनाओगे, सो लोग बनाएंगे तभी बना नहीं सकते, आप इतना ऐसे कैसे बना दिया। तो महाप्रभु को देखो महानता, महाप्रभु कैसे भक्त की महिमा को उत्साह, भक्त को कैसे उत्साह देते, इसलिए शास्त्र में कहा गया कोई भक्त कार्य कर रहा है तो अरे बराबर नहीं किया, एटा काम हो गया, ये बराबर नहीं, नहीं, भक्त जो कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, भक्तों के लिए कर रहा है, उसका काम को प्रशंसा करना चाहिए, उसका काम को उसको उत्साह देना चाहिए। महाप्रभु को देखिए बढ़ावा दिया, सो व्यक्ति सो चूल्हा में अगर करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, आप दोनों पति पत्नी इतना जल्दी कर दिया। तो महाप्रभु का एक गुण है हमेशा भक्त के गुण वर्धन करना, इसलिए हमारे भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए, भक्त का गुण को देखना चाहिए, गुण को वर्धन करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, कृष्ण रा भोग लगी अच्छी हनुमान करी ऊपर देखिए या तो तुलसी मंजरी, जो महाप्रभु ने देखा भोग लगा हुआ है तुलसी मंजरी है, तो महाप्रभु बोले बोले देखो कृष्ण भोग लगा हुआ है, इसलिए कभी किसको प्रसाद खिलाना है ये करना है, भगवान को भोग लगा के खिलाना चाहिए, बिना भोग के प्रसाद खाओगे गलत, इसलिए बताते हैं कि यज्ञ शिष्टा स्नो संतो मुचिंते सर्व से ही भुजंत धगम पापम ये पचिंतत आत्मकरणात्, अगर प्रभु को भोग न लगा तो ये खाएंगे तो पाप खाएंगे, पाप खाने से क्या होगा, पतंति अध नरक जाना पड़ेगा। और क्या बोलते, देखिए अन्न सौरभ्य वर्ण अति मनोरम राधा कृष्ण साक्षात ही करिया भोजन। महाप्रभु बोलते हैं आपको अन्न कितना सुमधुर सुगंधित जाता है और इसको साक्षात राधा कृष्ण भोजन किए हैं, बोलते महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जाए, महाप्रभु बोल रहे जा कि साक्षात अन्न कौन भोजन किया, ये किए भक्त के पास, हम लोग भोग लगाते हैं हमको भाव ऐसे नहीं होता, भगवान को भोग लगाने के टाइम मन में रखना चाहिए साक्षात मेरे प्रभु कृष्ण खाएंगे, मेरे प्रभु गौरंग खाएंगे, मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ खाएंगे, मेरे प्रभु खाएंगे, मैं घर में बनाया मेरे बच्चे लोगों के लिए दल ऐसे नहीं, मन की भाव रखना चाहिए कि मेरे प्रभु खाएंगे सत्य है, और प्रभु का जो प्रसाद खाएगा, प्रभु का जो भोग खाएगा वो भगवान को भोग लग जाएगा, खुद भगवान को भोग लग जाएगा, जैसे भगवान को भोग लगा था ना चावल रोटी का जी, ऐसे जो भगवान का भोग लगता है जो खाएगा ये खुद खाना वाले व्यक्ति भोग हो जाएगा, वो भगवान के हो जाएगा, ऐसे प्रसाद में अंदर ताकत है, लेकिन भावना होनी चाहिए भगवान के भाव के ग्राही। तथापि बोलते हैं तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, तथापि ये कर्ण खाइन न जाइयो भटक ए जानी खाओ ये जुआ, भट्टो बोलता है शरण भट्टाचार्य बोलता है, महाप्रभु बोलते मैं इतना नहीं खा पाऊंगा इतना नहीं, तो गौरांग महाप्रु बोलते मना करते हैं, तो शरण भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोलते प्रभु, नहीं नहीं इतना नहीं खा पाऊंगा मैं सन्यासी व्यक्ति इतना थोड़ी खा सकता हूँ नहीं खा सकता हूँ, तो अब क्या बोलते हैं शरण भट्टाचार्य क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए बहुत भारी चीज है, नीला चले भोजन करो तुम्हें बयान बार एक एक भोग शत शत भार, बोलते नीलाचल में आपने बयान बार भोजन करते हो, हाँ नीलाचल में कौन बैठा है, जगन्नाथ, जगन्नाथ के रूप में जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के रूप में आप कितना खाते हो मालूम है,
मन हांडी हांडी आता है धपा धप खाते हो हा? कभी भगवान उस टाइम पे कभी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ कभी हाथ सूखता नहीं, एक बाद एक 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 आता है भगवान खाते हैं, भगवान के लिए आते हैं। और क्या बोलते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं मैं खा नहीं सकता हूँ, इतना नहीं खा पाऊंगा, गौरांग महाप्रभु बोलते मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन यहाँ प्रूव करेंगे गौरांग जो है जगन्नाथ वही है। इसलिए जिसका घर में गौरांग है उसका घर में जगन्नाथ है, जिसका घर में जगन्नाथ है उसका घर में गौरांग है, जिसका घर में राम है उसका घर में जगन्नाथ है। तो भगवान के जो विग्रह सेम द्वारिका ते सोलह सहस्त्र महिषी मंदिर अष्टादश माता यानो यादवेर घरे। आप तो द्वारिका में सोलह सहस्त्र महिषी महिषी मतलब रानी का घर में भोजन करते हो, और मेरे घर में थोड़ा सा भोजन बनाया तब बोलते मैं खा नहीं पाऊंगा। फिर क्या बोलते बजे ज्येष्ठ कुड़ा मामा, बजे ज्येष्ठ कुड़ा मामा पिसादी गोप गण सखा वृंदा सभा लगे दुसंध कर भोजन। और ब्रज में जितना भक्त लोग है कहा गया शास्त्र में मामा फूफा चाचा चाऊ मामा सबका घर में भोजन करते हो और दबा दबा खाते हो, चोरी भी करते हो, अरे यहाँ पे हम देने से आप बोलते हम खाने खाएंगे नहीं हा? और क्या बोलते गोवर्धन यज्ञ अन्न खाई लो राशि राशि तार लिखाय यही अन्न न एक ग्रासी। गोवर्धन पूजा में जब गोवर्धन बोले थे आनियो 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 बोला दबा दबे खाए ना, आप तो ही है आप अभी यहाँ खाने के टाइम थोड़ा सा ना को आप बोलते हो नहीं खाऊंगा। तुम्ही तो ईश्वर तुम्ही तो ईश्वर मोही क्षुद्र जीव छार एक ग्रास माधुकुरी कर अंगीकार। आप तो स्वयं ईश्वर है, मैं तो क्षुद्र जीव हूँ, एक ग्रास स्वीकार करो। बड़ा प्यार और प्रेम से भगवान को प्रार्थना करता है। देखो क्या बोलते हैं इत सुनी हसी प्रभु बसिला भोजन जगन्नाथ तो प्रसाद भट देना हर्ष मन। इतना सुनने के बाद श्री गौरांग सुंदर भगवान प्रसन्न हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। गौरांग महाप्रभु की प्रसन्न होकर क्या करते हैं बैठ के भोजन, हमारा गौरांग भी प्रसन्न करने भोजन करने लिए बैठा, भोजन कर रहे तो हम उसे पीछे बैठेंगे, प्रसन्न खाने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा मिलेगा है, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोला कि भगवान खाएगा तो थाली से जो बचेगा या थोड़ा थोड़ा बचेगा तो हम लोग सरा मोटे से जाके मदद कर लेंगे, उनके उनका घर में झाड़ू मार देंगे, पोछा मार देंगे, सब बांटी लेंगे, अलग अलग सेवा कर देंगे। हम सब करने के बाद उनका पत्नी साठी माता बोलेगा अरे तुम लोग सेवा कर रहे हो तो ये सोचेगा हमको थोड़ा दे देगा महाप्रभु का प्रसाद, ठीक है ओके। तो काम में ढीला करने का नहीं, अच्छा क्या बोलते देखो हेना काले मिश्र, देखो क्या बोलते पॉइंट जगन्नाथ प्रसाद भगवान को दिया गया महाप्रभु भोजन करने। हेना काले अमोघ भट्टाचार्य जा माता खुली न निंदी कहते हो साठी कन्या भरता। उसी समय पे श्री गौरांग महाप्रभु भोजन कर रहे हैं, अमोघ जो कि उसका जामाता बेटी का हस्बैंड सरम भट्टाचार्य का बेटी का हस्बैंड वो आया, आके क्या करते हैं बहुत अच्छा विषय चैतन्य महाप्रभु की भोजन देखते चाहे आसते न पारे लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दू अरे। क्यों सारा भट्टाचार्य को पहले मालूम था मेरे जो दामाद है बहुत बदमाश आदमी है, इसलिए महाप्रभु को भोजन खिलाया और दरवाजे में लाठी लेके बैठा है। तब कह रहे तेरे करीब बहन तो बोलते ना हनुमान जी से गोदा लेके बैठते ना ऐसे यहाँ पे शरण भट्टाचार्य एक लाठी लेके दरवाजे के किनारे बैठा है, क्योंकि अगर शरण भट्टाचार्य ये मेरे दामाद बदमाश शादी में आ जाएगा तो दूंगा मार के घंटी बजा दूंगा। हाँ तेह यदि प्रसाद दीते होइला अनमन अमोघ आसी अन्न देखे करे निंदना। जब उन्होंने महाप्रभु भोजन कर रहे
शरण भटक खड़ा हुआ है, फिर जो महापुरुष प्रसाद खाने के बाद कुछ कम यहाँ पड़ता है तो शरण भटक जाता है, लाने को जाता है अपने घर के अंदर से ले आने के टाइम पे हमको तुरंत आ जाता है, डक आके देख लेता है, ओहो क्या खाता रे क्या खाता रे। और क्या बोलते हैं, प्रसाद देखने के बाद अन्न देखी करे निंदा, निंदा करने लगा, क्या निंदा कर रहा है, इतने अन्न तृप्त है दस बारह जन एकला सन्यासी करे एतक भक्षण। अरे ये जो भोजन है वो एक सन्यासी ये दस लोग खाना चाहिए, दस लोगों के लिए काफी है, और ये अकेला का खाए, ऐसे खड़ा होके गाल में हाथ लगा के ऐसे करके देखते इतना। और महाप्रभु उधर भोजन कर रहे हैं, अब महाप्रभु के पास में आके देख लिया, थाली को देख लिया, प्रसाद को देख लिया, भोजन को देख लिया, महाप्रभु को देख लिया, इधर देख लिया बंदर के समान, इधर देखा कोई नहीं ना, फिर बोलने लगा, क्या बोलता है, अरे ये जो अन्न खाते हो ये तो दस लोग का अन्न तुम अकेला खाते हो सन्यासी हो गए, ये पाइन बताते हैं कितना खराब काम है। सुनीत ही भट्टाचार्य उल्टी चाहिल तारे अवधाने देखी अमोक पढ़ाइल, जब बोल रहा था उधर से श्रम भट्टाचार्य कुछ हाथ में कुछ लेके आया, बना व्यंजन लेके आते देने के टाइम देख लिया अमोक को, और थोड़ा कान में पड़ा नहीं लेकिन अमोक को देखा, तो देखिन अमोक ने देखा कि मेरे ससुर ससुर ना ससुर आया, तुरंत वहां से पीछ के भाग गया। तो भाग गया तो क्या बोलते हैं, भट्टाचार्य लाठी लिया मारते आई लो धाई लो, क्या बोलते, भट्टाचार्य लाठी लिया मारते धाई लो पोलाइते अमोक तारो लागो न पाई लो। अमोक थोड़ा यंग था, जवान था, लाठी चेरे भट्टाचार्य तो बुढ़े हो गए थे, तो लाठी लेके जाते हैं मारने के लिए, मरेंगे थूम के दबा के, तुरंत अमोक भाग गया। लेकिन देखो भगवान की भक्त भक्ति के लिए कितना प्रेम है, भगवान के लिए कितना प्रेम है, अपने हर एक व्यक्ति अपना दामाद अपने बच्चा अपने बीबी अपने पुत्र अपने परिवार के प्रति इतना स्नेह है, साइड में कर देगा भगवान तो छोड़ो मेरे पर, यही मेरे भगवान है, यही मेरे भगवान, यही मेरे धन के रतन है, प्राण रतन है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमोक देखो कितना अमोक के प्रति, अमोक आया तो महापुरुष ने ये देखा, कौन देखा, शरण भट्टाचार्य देखे, तुरंत बोले मैं उसको देख लूँगा। तो विचार करो कितना प्रेम है, मारने के लिए आगे कोई अपने दामाद को मारता है, क्यों, पहले भगवान चाहिए, पहले भगवान, हमारे लाइफ में भी हमारे जीवन में पहला लाइक किसको करना चाहिए, कृष्ण, और कृष्ण कृष्ण भक्त दोनों को लाइक करना चाहिए। अगर हम कृष्ण कृष्ण भक्त को लाइक नहीं करेंगे हमारा लाइक हमारा जिंदगी बेकार है। इसलिए बताते यहाँ पे क्या बोलते बोलते कि भट्टाचार्य ने लाठी लेके आया मारने के लिए, क्या बोलते हैं, तबे गाली साप दीते भट्टाचार्य निंदा सुनी महाप्रभु हसित लागिला। शरण भट्टाचार्य ने दौड़ के मारने के लिए गया, वो तो भाग गया, भागने के नाते फिर वापिस आया और शरण भट्टाचार्य ने निंदा करने लगा, गाली देने लगा और क्या देने लगा, उसको साप अभिशाप देने लगा, अभिशाप वैष्णव अभिशाप दिया। देखो कैसे, क्यों, अब कोई वैष्णव तो साधु संत होना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए वैष्णव है और परम भगवान सामने है, परम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति अपना साला अपना दामाद को महाप्रभु को निंदा कर रहा है, और ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, तो हम सहन करेंगे तो हमको पाप लगेगा। अगर हम लोग के सामने कोई गुरु को निंदा कर रहा है, कोई आचार्य को निंदा कर रहा है, कोई शास्त्र को निंदा कर रहा है, कोई हमारे वरिष्ठ भक्त को निंदा कर रहा है, हम वहाँ पर बैठ के सुनेंगे चुपचाप, जैसे आप बैठे हो दस लोग बैठे बात कर रहे हैं एक व्यक्ति का बारे में, आपके सामने एक दूसरे हमारा कोई भक्त का निंदा कर रहा है, आप सुन रहे हो, जो कि आप उसको जानते हैं अच्छी तरह से, वो आपके समझो वरिष्ठ व्यक्ति है, निंदा कर रहे आप वहाँ पर सुन रहे हो, तो आपकी भक्ति डाउन हो जाएगा वहाँ पे, या बोलने का
तर्क कर काटने का नहीं तो तुरंत वो जगह छोड़ देना चाहिए। सुनेंगे तो 100%। अगर सुनने का मतलब क्या होता है, हम उसको प्रोत्साहन दिया और क्या। सही बात है, बात सही है, सहमत हुआ। सहमत के वजह से 100% भक्ति डाउन हो जाए। हम देखा अनेक भक्त लोग हमारे स्कन में, इस एक प्रभु जी था, एक महान भक्त था, बहुत बढ़िया भक्त है, सच्ची सत सत्य है, एकदम एक्सपर्ट, इतना लेक्चर, इतना प्रवचन, इतना बढ़िया कथा करता था, नंबर वन, और सब जगह पे पीछे वो गोपाल कृष्ण महाराज के वरिष्ठ शिष्य था, बहुत अच्छा है, हमारे गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्य, उसके नाम बक्रेश्वर पंडित थी। लेकिन मैं भी उनको मानता था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ऐसे लेक्चर देगा ना, फंटेस्टिक लेक्चर, और इतना सुंदर गाएगा, भजन करेगा, कितने लोगों को भक्त बनाया, सत्य है, बहुत भक्तों को लोगों को भक्त बनाया। लेकिन आज वो फंसने का कारण क्या है, वो वृंदावन जाते थे, वृंदावन में जाने के बाद वहाँ पे जो लोग रहते थे, दूसरा जो भक्त लोग गौड़ियों के विरुद्ध में लोग रहते, वो भी गौड़ी है, लेकिन वो लोग हमारे स्कन के विरुद्ध रहते हैं, तो वो निंदा उनके संग में रह के धीरे धीरे वो लोग हमारे भक्तों को निंदा करने लगे, निंदा कर उनका संग के वजह से धीरे 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 हमारे स्कन में नहीं, हमारे स्कन में नहीं बोलते जाके तुम गोवर्धन के जाके ये दंडवती परिक्रमा करो, जरूर नहीं। सनातन को समझे थे क्या, दंडवती प्रणाम करने से गोलोकधाम चल जाएगा। दंडवत करना मतलब वैष्णव का बारम्बार चरणांग तो जाओ, उसका बात मानो, खाली शरीर को लगाने से क्या होता है, मन तो लगाता नहीं। लेकिन आज देखिए धीरे धीरे गुरु जी हट गया, और प्रभुपद के बुक्स को भी निंदा कर, ये बराबर नहीं है, गया खट गया, खटिया खड़ी हो गया। इसलिए जहाँ पे सुनना चाहिए कि भी कोई भक्त का कोई निंदा करता है, ये करता है, वहाँ पे प्रवेश नहीं करना चाहिए, भक्ति नष्ट हो जाएगा। भक्ति के रूपी जो लता है और बहुत कष्ट से उत्पन्न होता है, लेकिन थोड़ा अगर वैष्णव निंदा करेंगे नहीं, निंदा सुनेंगे तभी भी हमारा डाउन हो जाएगा। इसलिए वैष्णव निंदा तो छोड़ो, वैष्णव निंदा सुनने से, इसलिए कभी कभी हम लोग शास्त्र के अनुसार कभी कभी कोई चर्चा का चलता है कि भाई एक शेर था, उसको सिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिया, क्यों दिया, क्यों हम लोग सीखने के लिए, हम किसको निंदा नहीं करते, हम इसलिए क्या कि देखो हम फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि निंदा से हमको कैसे होना चाहिए, निंदा सुंदर एकदम इप्सित संग लब्धवा, जो निंदा सुंदर से मुक्त है, हम उनकी संगति करना चाहिए। हम जो लोग निंदा करते हैं हमेशा बैठ गए, हम उनके साथ वो भी हरे कृष्ण करेंगे, बैठ के भजन करेंगे, अरे वो ऐसा ऐसे ऐसे भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति डाउन हो जाएगा। इसलिए हम बताते हैं निंदा करने लगा, क्या बोलते हैं, बोलते हैं तब उसने गाली दिया, अभिशाप दिया, और क्या बोलते, सुनी छठ माता सिरे बुके हाथों मारे, साठी डांडी हो को या बोले बारो बारे, क्या पॉइंट है। बोलते हैं सना मठेश्वर की पत्नी साठी ने जो सुना कि मेरे परम आराध्य, परम हृदय के रत्न जो गौरांग महाप्रभु, उनको उन्होंने ऐसे बोला तो उनका आंखों से पानी आ गया, दुखी हो गए, और दुखी अवस्था हो के बोलते हैं मेरे साथी विधवा हो जाने से चलेगा। साथी मतलब उनका बेटी, उनके बेटी का नाम साथी, सरमटेश्वर का पत्नी का बेटी का नाम साथी, बोलते मेरे साथी विधवा हो जाएगा तो चलेगा। मतलब क्यों, मतलब उसका पत्नी ये मेरे बेटी विधवा हो जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान को निंदा किया। तो अपने गौरांग भगवत कितना निष्ठा, इसको बोलते निष्ठा का लक्षण, निष्ठा महाप्रभु के प्रति निष्ठा। हम लोग ऐसी निष्ठा आने से तो फिर हमारे जीवन के उद्देश्य ये निष्ठा तो आना चाहिए कम से कम। निष्ठा कैसे होगा, हम सब सब उधर यहाँ माया को भी, वहाँ माया में वहाँ, इधर भी सब जगह में मुँह छू लगाते, इधर भी हाँ हाँ करेंगे, इधर भी हाँ करेंगे, इधर भी सब जगह में हाँ, मतलब नाटक है चालू राम आदमी। बोलते हैं मेरे बेटी विधे वजह चले, ऐसे कोई कर सकता है, हा? तो विचार करो, दुहा रो दुखो देखी प्रभु दुहा प्रबोधिया, धुआं रो इच्छा दे भोजन कैला तुष्ट होया। जो दोनों दुखी हो गए, दोनों रोने लगे, महाप्रभु दोनों को समझाया,
समझाने के बाद और लाओ दवा दवा के क्यों खाए, जितना खाते हो डबल खाए, क्योंकि मेरे जो भक्त दोनों श्राम भट्टाचार्य और उनके पत्नी दुखी होना नहीं चाहिए, मैं उनको खुश कर दूंगा, खाऊंगा। क्या तो महाप्रभु को देखो, महाप्रभु कितने भक्त वात्सल्य, आचमने कराया भट्ट दिला मुख बास तुलसी मंजरी लवंग इलायची रस बास। तो आचमन करने के बाद महाप्रभु हाथ धोए, हाथ धोने के बाद तुलसी मंजरी दिया और कहाँ गया इलायची लवंग सब इत्यादि दिया। सर्वांगे पराइलो प्रभुर माल्य चंदन दंडमत होया पड़े सदन्य वचन। और महाप्रभु को भोजन करने के बाद सब दिया, तुलसी मंदिर दिया, इलायची लवंग दिया, फिर महाप्रभु को एक आसन में बैठाया। बैठाने के बाद एक सुंदर हार लाया, हार पहनाया, फिर हार पहनाने के बाद उनको चंदन लगाया, बड़ा प्यार से उनको चंदन लगाया। देखो चैत्र महाप्रभु की हाँ, चंदन लगाया, चंदन देने के बाद दंडवत प्रणाम करके क्या बोलता है, क्या बोलते, देखिए निंदा खरे ते तुमा आनेनु मोर घरे यही अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे। हे प्रभु, मैं आपको बुलाया था भोजन करने के लिए, लेकिन मैं निंदा करने के लिए बुलाया था, मैंने अमुक का कुछ बोला नहीं, मैंने आपको निंदा करने के लिए आया, अपना आपको ले लिया दोषी कि मैं कितना दोषी हूँ, मेरे प्रभु को खिलाने के टाइम पे कितना उनको बोल के गया, उनको बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। प्रभु कहे निंदा नहीं सहज कहिला तो तुम्हारे किमा अपराध होइलो। महाप्रभु बोलते ना, 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 ना। निंदा क्या, वो जो बोला ना तुम्हारा दामाद अमोक, वो सत्य बोला, गलत नहीं क्या, हम सत्य बोला हूँ तो हम थोड़ी इतना, आप मेरे को इतना खिलाया तो मेरे खाना को देख के बोला, तो मैं इतना खाता हूँ इसलिए बोला। तो महाप्रभु अपना आपको क्या सोचते कि सच्ची मैं बहुत खाता हूँ इसलिए मेरे को बोला, तो महाप्रभु उसका दोष नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने अमोक का दोष नहीं दिया। हाँ देखो क्या भगवान होते ही भी हम दूसरे के दोष देखते, लेकिन उन्होंने दोष हाँ गौरांग कैसे हैं अदोष दर्शी, अदोषदर्शी प्रभु गौर सुंदर, बोलो अदोषदर्शी प्रभु गौर सुंदर ताते ममता करी दिन जायो जायो, अदोषदर्शी प्रभु हाँ कभी दोष देखते नहीं। एत बोली महाप्रभु चलिला भवने भट्टाचार्य तार घरे गेला तार सने। महाप्रभु भोजन किए अपने घर में गए और श्राम भट्टाचार्य अपने घर पे बोलते देखो हाँ उनके साथ में श्राम भट्टाचार्य भी उनके साथ उनके घर में छोड़ने के लिए गया। तो देखो क्या बोलते हैं, प्रभु पदे पड़ी बहु आत्मनिंदा कैल तार शांत करी प्रभु घरे पठाइल। महाप्रभु ने सामने अपने आप को बहुत निंदा, मैंने ऐसे क्या, मैंने ऐसे क्या, महाप्रभु ने उसको शांत करके जाओ चिंता मत करो, जाओ अपने घर में जाओ, टेंशन मत लो, डोंट वरी, फिक्र मत करो। फिर कर देखो घरे आसी भट्टाचार्य साठी माता सने अपना निंदा किचु बोले वचने। घर आने के बाद श्राम भट्टाचार्य उसके पत्नी दोनों अपने आप को मैंने घृणा करने लगे कि देखो कैसे हो गया, हम उसको बुलाए थे भगवान को, हमारे प्रभु को बुलाए थे, प्रभु ने क्या किया, हम प्रभु खिलाया लेकिन वो आके निंदा कर दिया, क्या खराब हो गया, ऐसे बोलने लगे। देखो क्या बोलते हैं, निंदा किया चैतन्य गोसाई ने निंदा सुनिल यहाँ होते तारे बद्ध कैले हयो पाप पराया चीत। चैतन्य महाप्रभु को निंदा किया, उसको बद्ध कर देना चाहिए, यही प्रायश्चित है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या बोलते देखो, ये सोच करके उसका बद्ध है और तो बद्ध नहीं कर सकता है, मार नहीं सकते, इसलिए मैं आज से उपवास करूंगा, खाऊंगा नहीं, कि मेरे भगवान को निंदा किया मैं अभी खाऊंगा नहीं, अनशन कर दिया गौरांग महाप्रभु के
मैंने वजह से गौरंग इसका वजह से उसको अमोक ने इसे किया, मेरे पाप महाप्रभु निंदा किया, खाने के टाइम मैं अभी भोजन नहीं करूँगा, शरण बैठे उपवास किया। देखो क्या बोलते, निंदा करने से क्या फायदा होता है बताते हैं। निंदा कुर्वन्ती ये मूढ़ा वैष्णवन महात्मनम पतन्ति पितृभिः श्राद्धं मा रौरवरंगितैः हन्ति निन्दन्ति यद्वृष्टि वैष्णवानां विनन्दति क्रुद्यते यतिनो हर्षो दर्शन पटानि च। मार्कण्ड पुराण में कहा गया बताते हैं। माता बोलते हैं हे राजन, महाभारत के उपवास में कहा गया पुण्य कर्म का फल, उसका ऐश्वर्य, उसका यश, उसका उसके पुत्र नष्ट हो जाता है, सारे वैष्णव महान आत्मा होते हैं। जो भी व्यक्ति उनकी निंदा करता है वो रौरव नरक में जाना पड़ता है, और उनके साथ साथ पूर्वज भी आते हैं। जो कोई वैष्णव को वध करता है, उसकी निंदा करता है, उसे कोई वैष्णव की ईर्ष्या करता है या उसके ऊपर क्रुद्ध होता है, अथवा कोई वैष्णव को देखकर नमस्कार नहीं करता है या हर्ष नहीं होता है, अनुभव नहीं करता है, निश्चित रूप से वो नरक में जाना पड़ता है। देखिए क्या क्या पॉइंट। जो व्यक्ति भगवान को कितना बढ़िया पॉइंट है, जो व्यक्ति वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करता है, और जो निंदा करता है, और जो वैष्णव को ईर्ष्या करता है, जो गुस्सा होता है वैष्णव को देखने के बाद, जो वैष्णव को देखने के बाद खुश नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है नरक में जाना पड़ता है। तो भगवान को प्रिय कितने हैं वैष्णव, इसलिए छड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाइची के बाद। जब तक वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तब तक बहुत तृप्त नहीं किया जा सकता है। फिर क्या बोलते देखिए दूसरा श्लोक में बताते हैं, करपत्रिश्च कल्पत्य श्रुतिवार्य प्रशासन निंदा कुर्वन्ति ये पापा वैष्णवना महात्मनम। हे प्रहलाद महाराज बोलते, प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के बीच में वार्तालाप यह कहा गया कि जो पापी लोग महान आत्मा जैसे वैष्णव को निंदा करते हैं, उन्हें यमराज का अत्यंत दंड कठोर मिलना पड़ता है, यमराज जी का कठोर दंड मिलता है। और क्या बोलते हैं, ये निंदंती हुषीकेशम तद भक्त पुण्य रूपिणम। जो हुषीकेश के भक्त को निंदा करता है क्या होता है, सत जन्मार्जितम पुण्यम तेषाम नश्यन्ति निश्चितम। 100 जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा अगर कोई वैष्णव को भक्त को निंदा करता है। ते पतन्ति महाघोरे कुंभी पाके भयानके भक्खिता कीट संगेन यावत् शूद्र चंद्र दिवा करो। और जो व्यक्ति ये नरक निंदा करता है कुंभिपाक नरक में जाता है, और उसको वो कीड़ा मकोड़ा बनेगा और सूर्य चंद्र देखने को नहीं मिलेगा। और क्या बोलते हैं, श्री विष्णुर मना गुरुतर श्री विष्णु बल्लवलंघनम तुदीय सुना मात्रम पश्यते पुरुषोत्तमम। बताते हैं जो व्यक्ति निंदा करने वाले व्यक्ति का मुंह देखना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के संग करने से भी प्रयास नहीं करना, ऐसे व्यक्ति का जो निंदा करता है ये हिंसा करता है ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, निंदा भागवत सुन तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोपी यत्यधिकं सुकृतच्युतम्। यदि भगवान या भक्तों की निंदा सुनकर मनुष्य वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए, नहीं जाता है तो अपनी भक्ति में पतित हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी अपने पत्नी को भी बताते हैं, अगर वहाँ पे रहते हुए हमको सुना नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा भक्तों की निंदा सुनना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जो कराने के लिए प्लानिंग नहीं करना चाहिए, जो कर ऐसे प्लानिंग कर तुम जाके बोल दो नहीं। भक्तों को कभी भी निंदा नहीं होना चाहिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ भाई सत्य भाई ये सत्य जिज्ञासा करने के लिए, लेकिन जानबूझ करके किसको ये करना बहुत खतरा है। हाँ पुनः सही निंदु करो मुख न देखी परित्याग कैलू तार नाम न लो। मैं उसका परित्याग किया हूँ, मैं उसका मुंह देखूंगा नहीं, श्रवण सर बोलते मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। साठी कहे तारो
ছাড়ুক সে হইল পতিত, পতিত হইলে ভর্তা তেজিতে উচিত। ছোড়ো উসকো মেরে পতি মেরে বেটি বিধবা হোগে সমজ লো, আর ও পতিত হোগে কৌন শরম বটে সে উসকো আমি ত্যাগ দিয়া আমি কেউ ভগবানকে প্রতি কিতনা অকাট্য প্রেম হে, প্রেমকে বজে সে আপনার পরিবারকে নিজন কু ত্যাগ করতে ইসকো বলতে ভক্তি। আর হাম ভক্তি কে লিয়ে হাম ভক্তি কো প্রশ্ন দেতে নেই, নামকে টুকু 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 করতে, আর পহলে প্রশ্ন কিছু দেতে পরিবার সংসার সমাধি উপর সে হরে কৃষ্ণ নাটক ভক্তি। আর কি বলতে দেখো অমগ মরে না শুন দেখো ক্যা হতা সেই রাত্রে অমগ কাহা পড়া গেলা প্রাতঃ কালে তার বিমুচিকা ব্যাধি হইলা, উসি রাত মে অমো কাহ ভাগ গিয়া উসকো হো গিয়া ক্যা বিমুচিকা ব্যাধি, মতলব ডায়রিয়া হো গিয়া, উপর সে নিচে পানি নিকলনে লাগা হরি বল, তব ক্যা হতা জব হো গিয়া অমঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য সহায় হইয়া দৈব কইল মোর কার্য। জব অমর কু বারে মে শুনা কি অমঘ আবি ডায়রিয়া হো গিয়া মর রা হ্যায় ভট্টাচার্য বলতে বড়িয়া হুয়া, কই বলে গেলো বৈষ্ণব দয়ালু, কায়ক বৈষ্ণব দয়ালু, यहाँ पे आपके पिताजी है आपके पुत्र है और कोई पिताजी को मार रहा पुत्र बोलेगा मारने तो मारने दो, पुत्र पिताजी को मदद करेगा कि नहीं, तो उसी प्रकार परम पिता भगवान गौरांग सुंदर भगवान है उसको निंदा कर रहा है उनके भक्त है वो निंदा क्या बोला मन उसने खुश हो गए मारने तो बहुत अच्छा हो गया ये प्रसन्न हो गया प्रसन्न हो गया क्यों भगवान का प्रति प्रेम है। ईश्वर अपराध फल तत्क्षण ये बोली পরে শাস্ত্র রচন বলি ঈশ্বরকে অপরাধ করলে সে ফল মিলতা হ্যাঁ এসলে কবি ভি ভগবান ইয়া ভক্ত কি অপরাধ করনা নেই চে ফির ক্যা বলতে দেখিয়ে বতাতে কু আয়ু শ্রীয়শো ধর্ম লোকান্নাশিষ এ বচ হন্তিম শ্রেয়াশি সর্বাণি পুংস মোদিক্রম। যব কই ব্যক্তি ভক্ত নিন্দা করতা ক্যা ক্যা নষ্ট হতা হ্যাঁ, जब कोई व्यक्ति महापुरुष को निंदा करता है द्रोह करता है पहला आयु ऐश्वर्य कीर्ति धर्म धन सौभाग्य सब नष्ट हो जाता है। जैसे रावण ने लात मार के विभीषण को भगा दिया तो क्या हुआ उसका उसका आयु बहुत था खत्म हो गया नष्ट हो गया। उसी प्रकार दुर्योधन ने विदुर को निंदा किया, विदुर ने अच्छा संदेश दिया ऐसे करना चाहिए महाभारत युद्ध के समय पे पहले तो दुर्योधन ने विदुर को निंदा किया और जो ये उसका उसका पापा का नाम क्या धृतराष्ट्र चुपचाप सुन रहा है कुछ बोला नहीं इसके वजह से क्या हुआ सर्वस्व नष्ट हो गया निंदा किया भक्तों की निंदा किया ना ऐसे दुशासन निंदा किया गया खत्म। कर्ण ने निंदा सुना नष्ट हो गया। उसी प्रकार जब भगवान के भक्त कोई निंदा करता है ये करता है उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है कोई रुकता नहीं। इसलिए भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए भक्तों को प्रशंसा करना चाहिए। हम किसका प्रशंसा नहीं कर सकते किसको निंदा नहीं करना चाहिए किसको हम प्रशंसा नहीं करते निंदा नहीं करना चाहिए। ये जीव इसलिए दिया भगवान भगवान और भक्त के गुणगान करने के लिए और उसका जीव का दूसरा काम नहीं है कृष्ण का प्रसाद खाना कृष्ण गुणगान करना कृष्ण का भक्त गुण करने जीव का तीन काम है। ये काम करेंगे जीव उधार हो जाएगा जीव जो हमारा जो जीव है ना जीवात्मा का उधार हो जाएगा इसे जीव के माध्यम से। इसलिए बताते हैं क्या बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य गेला प्रभु दर्शन प्रभु तारे पूछिला भट्टाचार्य विवरण। गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जब जाते हैं तो महाप्रभु पूछते हैं स्वरम भट्टाचार्य कैसे हैं क्यों पूछते हैं क्योंकि उसको मालूम है स्वरम भट्टाचार्य के मन में बहुत दुख हुआ है क्योंकि उनके वो उसका दामाद ऐसे ऐसे कर दिया निंदा दुख लगता है इसलिए महाप्रभु पूछे कैसे है पूछो तो हाँ तो क्या बोलते हैं आचार्य कहे उपवास कहला दुई दन दुई दुई जन विमुची का व्यधित मग छाड़ जीवन। अरे ये गोपीनाथ आचार्य बोल रहे कि
उन्होंने क्या किया, उपवास किया, खाया नहीं पिया नहीं, और इसलिए दुखी हो गया। और अमोघ भी डायरिया हो गया, बेमुचिका पे डायरिया, नीचे से ऊपर से पानी निकलने लगा और मृत्यु को सजाएं पड़ा हुआ है। और कौन सुन रहा है, श्री गौरांग महापुरुष सुन रहे हैं। देखो, सुनी कृपा मय प्रभु आईला धाइया, अमोघेर कहे तारे बुके हस्त दिया। ये चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो महापुरुष सुना, तुरंत दौड़ के आ गया। जो महापुरुष को निंदा किया, जो महापुरुष के लिए हिंसा किया, वो महापुरुष तुरंत आया उसको कृपा करने के लिए। इसलिए हम भक्तों को सीखना चाहिए, जो निंदा करता है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कोई स्थिति में परिस्थिति में हमारा कर्तव्य, हाँ मेरे को निंदा किया ना, अरे घंटी बज गया, ऐसे नहीं। हमको उस टाइम पे कोई भक्त है कुछ कर दिया, तो हमारा कर्तव्य हम हृदय से निष्कपट होकर उसको मदद करना चाहिए। नियम है, उसको बोलते वैष्णवता। उस समय पे क्या किया, चैतन्य महापुरुष स्वयं आए अमोघ का पास, दौड़ के आ गए और क्या बोलते, उसका उसका छाती में हाथ लगा के बोलते हैं, सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, कृष्ण न बसती यही योग्य स्थान है। अरे अमोघ, अब ब्राह्मण के लड़का हो, अब ब्राह्मण का हृदय सहज होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, और तुम ये कपट तो कहाँ से आ गया, ये गंदगी कहाँ से आ गया। मश्चर चंडल के ने यहाँ बसाइल परम पवित्र स्थान अपवित्र कैल। अरे ईर्षा द्वेष हृदय में कैसे बैठ गया, ये तो पवित्र जगह है, यहाँ पवित्र में भगवान विराजमान बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, हृदय में विराजमान है, उसको अशुद्ध क्यों किया, अशुद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको हमारे हृदय को कभी अशुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा गौरांग अंदर बैठा हुआ है। उठो अमोघ तुम लो कृष्ण नाम, अचिराते तुम्हारे कृपा करीबे भगवान। अमोघ उठो, अभी उठ जाओ, तेरे अपराध माफ हो गया, कृष्ण नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हम सो अमोघ का पटी है, ठीक है, उधार हो जाएंगे ना, हमारे उधार हो जाएगा सबका। बोलते हैं अचिर तुम्हारे करीब कृष्ण भगवान, उठो कृष्ण नाम लो। मतलब बताते हैं कृष्ण नाम लेने से कृपा मिलेगा। तब क्या बोलते हैं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु देखिए, सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिला, प्रेमान्मादे मत हैया नाचिते लागिला। जब श्री गौरांग महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के करुणा सागर करुणा निधि भक्त वत्सल श्री गौरांग सुंदर भगवान ने उसके हृदय को टच किया, स्पर्श किया, तुरंत उसका सर्व पाप नष्ट हो गया, सब भस्म हो गया। कोचित कबल भक्त्या वासुदेव परायणा अगम दुन्नन सिकाशन नियर में वास। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार नष्ट होता है, उसे प्रभु का हस्त स्पर्श करते ही अमोघ का हृदय की सब कलंक, सब कुछ जो गंदगी गंदान मदान्ध नष्ट हो गया। और क्या अमोघ क्या होने लगा, कृष्ण कृष्ण बोल करके नाचने लगा, डांस करने लगा एकदम। हरि चैतन्य महाप्रभु की जय। हाँ, ये महाप्रभु की कृपा। कंप अश्रु पुलक स्तंभ स्वेद स्वर भंग, प्रभु हासे लिखी तर प्रेम रतरंग। जैसे छोटे बच्चा जब उठ करके बीमार है, कोई डॉक्टर दे दिया मेडिसिन, तुरंत उठ गया, और पापा भूख लग गया खाऊंगा, नाचने लगा हूँ के नाचने लगा, तो पापा को कितना आनंद लगता है, मेरे बेटा ठीक हो गया। उसी प्रकार पापा गौरांग है, उसका बेटा कौन है, अमोघ है, उनके अंश है। जब अमोघ ऊँट को खड़ा होकर नाचने लगा, शरीर में कंप अश्रु पुलक भाव आने लगा, मुँह से कृष्ण शब्द क्लियर बोल नहीं पाए, इतना भाव आने लगा, प्रभु हंसे देखी दे रहा प्रेम तरंग, श्री गौरांग सुंदर भगवान हंसने लगे, मतलब खुश हो गए, महाप्रभु हंसे। इसलिए महाप्रभु कब हंसते हैं, जब हम लोग अपराध को त्याग करके भगवान के नाम जप करेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, भगवान का जो शास्त्र को अध्ययन करेंगे, भक्त सेवा करेंगे, हमारा महाप्रभु उठ के
हंसेंगे हमको देखा, हाँ ये बढ़िया लड़का, लड़का बढ़िया है। तब क्या बोलते हैं, प्रभु रो चरण धरी कर स्तवन अपराध क्षमा करो प्रभु भगवान। प्रभु का चरण पकड़ के स्तुति कर रहा है, प्रभु मेरा अपराध हो गया, मेरे को माफ करो माफ करो माफ करो। छारो मुखे तुम्हारो कर लो निंदन ये तो बोली अपना गले चापे आपने। मैंने ए मुख में आपका निंदा किया, गुणगान करने के बदले में निंदा किया, मर मर के गौर को धप्पा धप धप्पा धप गाल फुलका हो गया। चपाती जैसे फुलके बनते ना, इसे फुलका हो गया बैलून के समान। अरे चढ़ाई ते गाल फूला गल, चढ़ाई ते गाल फुलाई लो, बोलो चढ़ाई ते गाल फुलाई लो, हाथ धरी गोपीनाथ र आचार्य निषेधिल, गोपीनाथ आचार्य में साथ में आया था तो गोपीनाथ वो अपना गाल में थप्पड़ मारा, मार गाल फूल गया। गोपीनाथ आचार्य उसको पकड़े, रुक 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 रुक। गोपीनाथ आचार्य ने बोला, अरे तू अपना गाल को मार मार के गाल फूल गया, रुको अभी रुक जा। प्रभु राष्ट्र सुना करे स्पर्श तारो गात्र सार्वभौम संबंध तुम्हें बोरो स्नेह पात्र। महाप्रभु बोले, अरे तुम क्यों अपना घुणा समझता है, तू सार्व भट्टाचार्य के संबंध है, मैं मेरे प्रिय है, सार्व भट्टाचार्य के संबंध के होने के नाते मेरे स्नेह पात्र। इसलिए कहा गया भक्तों के स्नेह होने, भक्त के स्नेह पात्र बनोगे तो भगवान के प्रिय बन जाओगे। भगवान तो छोड़ो, ऐसे कार्य हमको करना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे भगवान की भक्तों की प्रति प्रेम होना चाहिए। भक्त लोग आपको स्नेह करेंगे, भक्त लोग स्नेह करेंगे, कृष्ण आपको 100% प्रेम करेंगे, डाउट नहीं। यहाँ पे जैसे सर्व भट्टाचार्य के बोलते हैं कि देखो महाप्रभु बोलते हैं, सर्व भट्टाचार्य के वजह से तू स्नेह पात्र, उनका स्नेह है, उनके रिलेटिव है, तू मेरे लिए स्नेह है। हाँ सार्वभौम गृह दास दासी ये कुकुर से ही मोर प्रिय अन्य जन बहु दूर। अरे चिंता क्यों करता है, सर्व भट्टाचार्य के तो दास दासी है, उनका करके कुत्ता भी मेरे को प्रिय है, तुम तो दामाद है, तू तो मेरे प्रिय है। प्रभु देखे सर्वभौम धरला चरण, प्रभु तारा लेंगिया बसाइला आसन। प्रभु ने आया सर्व भट्टाचार्य देखा प्रभु को भी अपने घर पे बुलाया, आसन दिया प्रभु बैठो, बैठा दिया। क्या बोलते प्रभु को, अमोघ शिशु किवा रोसो किवा तारो दोष। महाप्रभु बोले, अमोक छोटे बच्चा है, क्या दोष उसका, केने उपवास करो करो रोष, तुम अभी तक उपवास किया है। देखो महाप्रभु कितना कृपालु है, देखे वो खाया नहीं, महाप्रभु अल्ट दोबारा आए उसको तो ठीक किया, और इधर आए बोले तुम भोजन करो, उसके घर में जाके उसको भोजन कराते, फूल हो गया। बोलते हैं केने उपवास करो केने रोसो, क्यों उपवास है, तुम उपवास मत करो अभी खाओ। देखो महाप्रभु कितने दयालु है, हम लोग खाने का दूसरे का मेरे पेट भर गया जाने दो, प्रभु नींद लेते, लेकिन महाप्रभु आके देखे उपवास है उसको, बोले तुम अभी भोजन करो, कोई चिंता मत करो, प्यार करने लगे। उठो स्नान करो करो, उठो करो उठो स्नान करो, देखो जगन्नाथ मुख, शीघ्र आसी भोजन करो तबे मोर सुख। महाप्रभु ने आदेश दिया, उठो स्नान करो और जगन्नाथ को दर्शन करो, आके भोजन करो तो मेरे को सुख लगेगा। देखो क्या प्यार है, महाप्रभु बोले तुम उठो स्नान करो जगन्नाथ दर्शन करो, आप भोजन करेंगे ना मेरे को सुख लगता है। देखो एक माँ के समान गौरांग महाप्रभु अपने सारा संसार को, ओ महाप्रभु पिता भी है माता भी है दोनों है। प्रभु पदेय धरि भट कहते लागिला, मरीते अमोघ तारे केन जियाइल। हे प्रभु अमोघ तो मर रहा था, क्यों आपने उसको जिंदा कर दिया। प्रभु कहे अमोघ शिशु तुम्हारो बालक, बालक दोषो न लय
पिता तहते बालक पालक। अरे बोलते क्या बोलते, प्रभु कहे अमोघ शिशु तुम्हार बालक, बालक दोषो ना लय पिता तहते पालक। अमोघ तुम्हारा बालक है, छोटे बच्चा है, छोटे बच्चा कुछ दोष कर दिया, क्या उसका पिता उसको दोष देखता है? जिसके घर में छोटे बच्चा कुछ गड़बड़ कर दिया तो पिता उसको दोष देखता है? इसीलिए छोटे बच्चा है उसको माफ करो। तो महाप्रभु को कितना दया भाव है। तो क्या बोलते हैं, एबे वैष्णव होइलो तार अपराध गेलो तारे ऊपर एबे करो प्रसाद। ये भी वैष्णव हो गया उसको अपराध माफ हो गया, इसलिए हम वैष्णव बनेंगे, वैष्णव भक्तों की सेवा करेंगे तो हमारा अपराध सब नष्ट हो जाए, इसलिए हमको सबको वैष्णव बनना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, भट कहे चलो प्रभु ईश्वर दर्शन स्नान करी तहा मुई आसी अच्छी खन मुझे स्नान कर लिया, चलो दर्शन करने जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने जाएंगे। और दोनों मिलके प्रभु को दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते दर्शन करने के बाद में क्या बोलते हैं, आते खा पी के आते फिर भोजन करते, भोजन करने के बाद सही अमोघ होइला प्रभु रो भक्त एकांत प्रेमे नाची कृष्ण नाम लय महाशांत। वो अमोघ भगवान का अनन्य भक्त बन गया, प्रेम से नाचने लगा, गाने लगा, हरि हरि बोल होने लगा। चैतन्य महाप्रभु की जय। एछे चैत्र एछे एछे चित्र लीला करे सचिर नंदन जेई देखे सुने तार विस्मय हय मन। ये है सचिदानंद का कार्य, जो देखता है जो सुनता है चकित होता है, वो कैसा है महाप्रभु, कैसे वो व्यक्ति को उद्धार किया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। क्यों सर्वम भट्टाचार्य यहाँ बता गया, जो निंदा करते हैं नरक जाता है, करेक्ट, जो निंदा करते हैं नरक जाते हैं 100%। लेकिन वो निंदा करने वाला पार्टी अमोघ, अब भगवान को निंदा किया लेकिन भक्त रिकमेंड किया, भक्त ने, वो भक्त के कनेक्शन था ना, इसलिए भक्त के कनेक्शन होने के नाते महाप्रभु बोले तेरे भक्त भी है। तुम आपकी उसी प्रकार हमेशा हम लोग भक्त संग चाहिए, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे लोह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, साधु संग छोड़ कर अगर अलग हो जाएंगे तो गया घंटी बज जाएगा, एकदम 100% माया पकड़ लेगा। फिर बोलते देखो ऐसे भट गृहे करी भोजन अभिलाष तारा मध्य नाना चैत्र चरित्र प्रकाश। श्राम भट्ट घर में महापुरुष ने भोजन किया, बहुत विलास किया, बहुत अच्छा हुआ। तो क्या बोलते हैं, साठी मातार प्रेम आरो प्रभुर प्रसाद भक्त संबंधे ता खेमिल अपराध। भक्त संबंध होने के नाते, भक्त रिलेटिव होने के नाते अमोक अपराध मुक्त हो गया। श्रद्धा करी ए लीला सुने जई जन, श्रद्धा करी यही लीला सुने जई जन, बोलो श्रद्धा करी श्रद्धा करी यही लीला सुने जई जन, यही लीला सुने जई जन अचिरात पाय सेई चैतन्य चरण, अचिरात पाय सेई चैतन्य चरण। बोलते हैं श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति लीला को श्रवण करेगा गारंटी है कृष्णदास कविराज वरदान प्रदान करते हैं, उसको चैत्य चरण मिलेगा। अगर चैतन्य चरण चाहिए, चैतन्य चरण कैसे है, चैतन्य चरण अमृत सिंधु तृप्त मन तृप्त मन तृप्त करे करुणा मन बिंदु। चैतन्य चरण तो ऐसी चीज है पूरा पवित्र है, चैतन्य लीला निगूढ़ है, नित्य है, शाश्वत है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण प्रत्येक जगह पे हो रहा है। लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारे पाए अद्य पेय से लीला करे गौर राज, कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारे पाए। अभी भी गौरांग चंद्र भगवान उल्लेख करते लेकिन कौन कौन भाग्यवान को प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे बताते हैं कृष्णदास के विचार बताते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के इस लीला को सुनता है उसे तुरंत महाप्रभु के चरण का शरण मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु शरण मिलेगा, जीवन का लक्ष्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय।
श्रीरूप रघुनाथ पद यार दास श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। ये चैतन्य चरितामृत का सार है, देखो कैसे चीज बताया गया, कैसे था, कैसे उदाहरण हो गया। महाप्रभु का ये पतित भाव, महाप्रभु का अत्यंत दयालु, इसलिए भक्त के संबंध, भक्त के कनेक्शन, भक्त साथ में रहेंगे, भक्त की प्रशंसा करेंगे, भक्त गुणगान करेंगे, भक्त को बढ़ाएंगे, भक्तों को भक्ति में बढ़ाएंगे, खुद बढ़ जाएगा, गारंटी डाउट। जिस प्रकार ट्रेन में उतरने के टाइम पे बहुत लोग है कि आप खड़े रहो छात उतर जाओगे, चढ़ने के टाइम छत खड़े रहो चढ़ जाओगे, ऐसे कल खड़े जैसे लिफ्ट, आजकल एक चीज लिफ्ट बने हैं ना, तो खड़े रहोगे अपना आप धीरे 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 ऊपर जाता है ना, है ना, स्टेशन में क्या बोलते उसको, इलेक्ट्रिक जो बने देख लो समझते, हाँ उसी प्रकार जैसे इलेक्ट वो हम पे खड़ा रहेगा अपने वो जाओगे, उसी प्रकार भक्त के साथ में रहोगे धीरे धीरे ऊपर बाइक उड़ जाओगे। इसलिए भक्त संग चाहिए, भक्त संग भक्त संग भक्त संग चाहिए। तुम्हारे जनता और कोनो वस्तु नहीं, उनको जानने के लिए भक्त संग चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।